वंदे मातरम विद्यार्थियों, कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आया हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से जो भी स्टूडेंट है 12वीं की रिजल्ट के बाद में कॉलेज में जो एडमिशन की तिथियों की घोषणा के संबंध में इंतजार कर रहे थे कि कॉलेज के ऑनलाइन फॉर्म पार्ट फर्स्ट के, बीए पार्ट फर्स्ट के कब शुरू होंगे, तो आज दिनांक 24 जून को यानी आज ही एक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय के संबंध में ये निर्देश है कि स्नातक पाठ पर प्रथम वर्ष के ऑनलाइन आवेदन प्रवेश प्रक्रिया बाबत इसमें है। इसमें पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर के जो फॉर्म है कब से कब तक भरे जाएंगे, कौन कौन से जो लिस्ट है सत्यापन कब होगा, कैसे होगा। वैसे मैंने जो नई नीति है इसके लिए, जैसे ये मैं आपको बता दूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन है, इसमें जो प्रवेश नीति 2022 थी इसके संबंध में तो पहले ही मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से एडमिशन होगा, क्या न्यूनतम जो प्राप्तांक या वो प्रतिशत होंगे वो मैंने आपको पहले बताया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे देख सकते हैं। आज मैं आपको बात करूंगा कि यहाँ जो एडमिशन शेड्यूल पीजी पार्ट फर्स्ट का जो कार्यक्रम घोषित हुआ है इसके संबंध में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो जैसे ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम है, ये स्नातक पार्ट फर्स्ट का है, तो ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ होने की जो तिथि है, अब थोड़ा सा मैं और इसको जूम कर देता हूँ ताकि आराम से आप देख पाएं, 27/6/2022 यानी 27 जून सोमवार से ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया शुरू होगी। किस तरीके से फॉर्म भरना है मैं अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उनके फॉर्म आपको लाइव भर के बताऊंगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी शनिवार 9/7/2022 यानी बहुत ही कम दिन दिए हुए हैं, यानी 3 दिन जून के और 9 दिन ये 12 दिन ही दिए, तो आपको बहुत ही जल्दी से आपको फॉर्म भरना है। और महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 11/7 होगी, यानी आप जो भी फॉर्म भरेंगे कॉलेज द्वारा ऑनलाइन सत्यापन होंगे, और उसके बाद में जो वरीयता सूची, अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन है वो 13 तारीख को हो जाएगा, यानी कॉलेज वाले आपके मैसेज भेज देंगे कि आपका फॉर्म वरीयता सूची में आपका नाम है या नहीं है या वेटिंग लिस्ट में नाम है। उसके बाद में अगर आपका नाम उस वेटिंग लिस्ट में आता है आप ऑनलाइन भी उसको देख पाएंगे और मैसेज द्वारा भी आपको सूचना दी जाएगी। तो आपको महाविद्यालय में, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो आपको महाविद्यालय में जाकर के अपने जो डॉक्यूमेंट सत्यापन जो करवाने हैं वो काम आपको सोमवार 18/7 तक करवाना है। कई लोग इंतजार में रहते हैं तो आपको ऑनलाइन साइट चेक करते रहना है अपने जो भी नाम या जो भी इनरोलमेंट नंबर आए उसके हिसाब से, और संपर्क में रहना है, मैं अपडेट देता रहूँगा, आप चैनल पर बने रहें। उसके बाद में आपको कॉलेज में सत्यापन करवाने के बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है वो साइन कर दें तो आपको तुरंत ई मित्र पर जाना है। ई मित्र का मतलब है आप खुद भी, अगर आपके पास नेट बैंकिंग काम में ले सकते हैं तो आप खुद भी उसका शुल्क जमा करा सकते हैं, और उसकी जो भी रसीद है उसको वापस आपको कॉलेज में जमा करानी है ताकि आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। और प्रवेशित विद्यार्थी की जो प्रथम सूची का प्रकाशन है वो 19/7 मंगलवार को हो जाएगा, यानी सोमवार तक आपको ये वहाँ कॉलेज में जमा कराना है, मंगलवार की जो भी लिस्ट है वो निकल जाएगी, और प्रवेशित विद्यालयों की जो प्रथम सूची का जो प्रकाशन है वो मंगलवार को हो जाएगा। उसके बाद में जो वर्गवार निर्धारण और विषय आवंटन है वो मंगलवार को होगा, यानी जब भी प्रवेश होगा आपका वरीयता सूची में जहाँ नाम होगा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने और आपको अपने सब्जेक्ट जो भी भर के और वहाँ से आपको उसमें सब्जेक्ट का और वर्ग का अलाइनमेंट हो जाएगा, सेक्शन वगैरह जो भी है या जो भी विषय है वो आप वहाँ डिस्कस करके कर सकते हैं। उसके बाद में महाविद्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो स्नातक पाठ प्रथम का शिक्षण कार्य है 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी 20 तारीख से कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही फास्ट कार्यक्रम इन्होंने जारी किया है, तो आपको कल मतलब तो 2 दिन का आपके पास टाइम है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरे हैं तो वो आपको पूरे करने हैं। 10वीं की या 12वीं की मार्क लिस्ट हैं अभी नहीं आई है तो अभी फिलहाल आपको कंप्यूटर से ऑनलाइन जो मार्क लिस्ट है वो निकाल के रखनी है। इसके अलावा आपको विद्यालय से TC लेकर के करेक्टर सर्टिफिकेट, TC माइग्रेशन वगैरह जो भी उपलब्ध हो जाएगा, अगर ये बोर्ड द्वारा उपलब्ध नहीं होते हैं तो ये डेट थोड़ी आगे बढ़ेगी, अन्यथा आपको जब भी स्कूल से आपको तुरंत संपर्क करके अपने विद्यालय से संपर्क में रहना है, और जब भी ये TC CC माइग्रेशन वगैरह ये सारे आपको लेकर के तैयार रखना है और फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है आपके 9/7/2022 है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये बड़ी अपडेट थी खास करके उन बच्चों के लिए जो 12वीं पास कर चुके हैं और कॉलेज में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। तो ये इस सूचना को यानी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी साथी है जिन्होंने 12वीं की है उनको शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो और सतर्क हो जाएं। तुरंत आप अपने विद्यालय से और अपने शिक्षकों से संपर्क करके TC CC के बारे में जानकारी लें और जो भी ये बोर्ड के द्वारा जो मार्कलिस्ट जारी जब भी होती है वो आपको प्राप्त करके कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी। अगर बोर्ड द्वारा मार्कलिस्ट नहीं आती है तो आप कंप्यूटराइज जो मार्कलिस्ट है वो भी वैलिड होगी,
तो मिलते हैं किसी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में और अपडेटेड वीडियो में। तो चैनल पे बने रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।